आप लोगों से जो समाज कार्य में परिभाषा को लेकर, समाज कार्य के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ किताबों को लेकर बता चुका हूँ आप लोगों से, तो उन्हीं के संबंध में आज आप लोगों से व्यक्तिगत समाज कार्य से संबंधित एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेंगे एमपीपीएससी में, उसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? और सभी लोगों को, ठीक है? जैसे मान लीजिए, यह मैंने जो आपको पीडीएफ शो करवा रहा हूँ, ये यूजीसी वाले बच्चों का, मैंने एक बार पीडीएफ जब बनाया था तो वहाँ पे शो हुआ था, ठीक है? वहाँ पर मैंने उन लोगों को बताया था एमपीपीएससी में क्या है, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, प्रश्न का पैटर्न यही सब होने वाला है। जैसे आपसे पहला प्रश्न मैं ये पूछ रहा हूँ आप सबसे कि सेवार्थी कर्ता संबंध अनिवार्यता है, तो सेवार्थी और कर्ता का जो संबंध है वो अनिवार्य है, तो किस दृष्टिकोण से होना चाहिए, कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण होना चाहिए, कि सामाजिक दृष्टिकोण होना चाहिए, कि उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, कि सहानुभूत होना चाहिए, यह दृष्टिकोण है, आप इसे ध्यान रखिएगा, है ना? आवाज़ क्लियर है मेरी? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप व्यक्तिगत समाज कार्य को प्रश्न लेकर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो सेवार्थी या कर्ता संबंध अनिवार्य, मतलब एक तो आपको बताऊं सामाजिक कार्यकर्ता है ये कर्ता का मतलब है सोशल वर्कर, और यहाँ पे सेवार्थी का मतलब है जो क्लाइंट है, जो मुवक्किल है आपका, जिसके साथ आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो कर्ता तो किसी भी रूप में हो सकता है, तो सेवार्थी भी उसी रूप में होगा। अगर आप शिक्षक के रूप में हैं तो शिक्षार्थी के रूप में होगा। तो एमपीपीएससी में हो सकता है प्रश्न का जो शब्दों का हेर फेर करे तो यहीं से करेगा, बस प्रश्नों का पैटर्न यही रहेगा, है ना? तो आप ध्यान रखिए, उसका जो संबंध व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, कभी भी व्यक्तिगत होकर आप कार्य नहीं करेंगे। अच्छा, व्यक्तिगत होकर काम नहीं करेंगे तो भाई फिर कैसे केशवर कहलाएगा? यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत तरीके से कार्य करेंगे तो वह एक प्रकार का भेदभाव काम करेंगे, और व्यक्तिगत कार्य होता है निष्पक्ष होकर, बिना भेदभाव का होता है, बिना लैंगिक पूर्वाग्रह से होता है। तो सेवार्थी और कर्ता का जो संबंध होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ सामाजिक, तो सामाजिक तो भाई आप शब्दों से पता चल गया आपको, तो अगर कहीं समुदाय लिखा होता तो सामाजिक वाला ऑप्शन सही माना जाता, बट यहाँ पर केशवर्क में पूछा गया प्रश्न था ये, और सेवार्थी या कर्ता के बात अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको दिमाग लगा लेना है कि ये केस सामाजिक सोशल केस वर्क से ही है, सामाजिक वैयक्तिक कार्य से ही प्रश्न है। अच्छा भाई, आपका दिमाग क्यों नहीं काम किया कि ऐसे में तो समूह कार्य में भी तो होता है कार्यकर्ता सेवार्थी होता है, आपके मन में ये भी विचार हो रहा होगा कि समुदाय में भी ऐसा होता है, तो जब अगर समुदाय में होता है तो समाज तो ठीक है, फिर वहाँ पे तो सही है समाज, ऑप्शन नंबर सी। बात को समझिए, यहाँ पर बेसिकली समूह में समूह के सदस्य होंगे, तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि जो समूह में सदस्यों और डैश मानेगा वहाँ पर लगाएगा, जिसको आप बोलते हैं योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। ये क्या है? योजक चिन्ह है ना? तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि समूह के सदस्य, समुदाय के सदस्य, और फिर योजक चिन्ह होगा, फिर लिखा रहेगा कर्ता के संबंध में अनिवार्य क्या होगा, ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है? तो प्रश्न का पैटर्न इस तरीके से हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे समाज हो जाएगा, और ये सेवार्थी केवल कहा था तो इसलिए आपको रिलेट कर लेना सोशल केस वर्क से। सहानुभूतिपूर्ण अगर आप बताइए काम करेंगे, आप बताइए, अच्छा समाज कार्य आप करेंगे तो किसी के साथ सहानुभूत संवेदना परानुभूत वाली एक्टिविटीज़ आप करेंगे? कभी नहीं करेंगे सोशल वर्क में। आप लोग ध्यान रखिए, कॉमन चीज़ें हैं, आप सबको पता होना चाहिए ये सारी की सारी बातें। तो केश वर्क में आप कभी भी, या चाहे आप केश वर्क ही ले लो, प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत जितनी भी विधियाँ आती हैं उन सबको ले लो, कोई भी विधि सहानुभूति से नहीं होगा, है ना? तो याद रखना आप लोग, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, है ना भाई? तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा भाई खाएगा क्या, है ना? सही है कि नहीं? अब अगर आप सहानुभूति दिखाना शुरू कर दोगे, हैं, तो फिर काम तो होगा खराब भाई।
और यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, सेवार्थी और कर्ता का जो संबंध होगा वह उद्देश्यपूर्ण होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। बताइए जरा, इस प्रश्न को आप समझ गए हैं क्या? बताइए एक बार, यह प्रश्न आप समझ गए हैं अच्छे तरीके से? हाँ, तो यही आपको समझाना था। ये केस वर्क का प्रश्न है। चेतना मैडम शायद आप कह रहे थे कि कुछ प्रश्न लेकर आ जाइए आप। तो देखिए, ये प्रश्न का पैटर्न है, आप सबको बता देता हूँ, ध्यान रखिए, ये MPPSC में ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न ये है, मैरी रिचमंड, भाई UGC के बच्चे जितने तैयारी, अच्छा UGC में जितने नहीं, जैसे दीपा हो गई, ठीक है, गरिमा हो गई भाई, ठीक है, और दीक्षा, ये तीन लोग जो हैं भाई, यह जब आप अपने मन में सोच लेंगी, बोलेंगे नहीं, ठीक है भाई, बोलेंगे नहीं। बाकी UGC का जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें ये लोग करेंगे जवाब अपना, ठीक है भाई। बाकी यहाँ MPPSC वाले बच्चे बोल सकते हैं। प्रश्न ये है कि मैरी रिचमंड ने अपनी पुस्तक सोशल डायग्नोसिस, पहला प्रश्न मेरा यही उठा कि सोशल डायग्नोसिस पुस्तक आई कब भाई, बताइए, शशांक सर, चंद्रेश सर, बताइए कब आई पुस्तक है? ये प्रश्न व्यक्तिगत समाज कार्य से है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं ये सारे के सारे एग्जाम में, है ना। अब आया हुआ प्रश्न है ये सारे के सारे UGC में तो आया है भाई। आप सोचिए कि MPPSC, अगर आप UPPSC का सिलेबस उठा के देखिए, मैरी रिचमंड का क्वेश्चन आया है UPPSC का, सही बता रहा हूँ आप लोगों से, है ना। और आप अगर आपके पास प्रैक्टिस होगा तो आप प्रैक्टिस वाला कर लेना, देख लेना, प्रैक्टिस में नहीं मिलेगा तो कहना कि रोहन सर प्रैक्टिस में तो आया ही नहीं एक भी क्वेश्चन, ऐसा हो कह देना आप लोग मुझे, है ना। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की बुक लिया होगा, और नहीं लिया अगर तो कोई बात नहीं, अभी मैं क्लास समाप्त होने के बाद कुछ बताता हूँ आप लोगों को, जानकारी स्पेशल MPPSC के संबंध में। और कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है भाई। चलिए शशांक त्रिपाठी जी बताइए, मैं आपके जवाब का वो कर रहा हूँ, बताइए भाई क्या सोशल डायग्नोसिस पुस्तक कब आई थी मैरी रिचमंड की? भाई बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हो। चंद्र, हाँ हाँ अगर आपको आ रहा था तो बोलने में क्या जा रहा था, है बोल दिया करो, है ना, तुरंत, है ना। CBSE से आप हैं कि उससे हैं, हिंदी मीडियम से, CBSE बोर्ड वाले, किस बोर्ड से हैं आप शशांक सर? अच्छा स्टेट बोर्ड, चलो फिर तो ठीक है, CBSE बोर्ड वाले जल्दी नहीं जवाब देते हैं, ऐसा मेरा कहना है भाई। चलिए अच्छा आगे बात करते हैं। सोशल डायग्नोसिस में समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत के तीन मूलभूत श्रेणी डिवाइड की गई थी, यानी जो सोशल डायग्नोसिस की किताब आई थी मैरी रिचमंड के 1917 में, उस किताब में तीन सिद्धांत दिए गए थे, लेकिन ये जो तीन सिद्धांत थे बेसिकली उन सिद्धांतों को इसी में मेंशन किया गया है। ध्यान रखना आप लोग, जो अध्ययन निदान उपचार और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है समाज कार्य में, इन प्रक्रियाओं को आगे ले जाने का जो कार्य किया है वो मैरी रिचमंड ने किया है। व्यक्तिगत समाज कार्य में इसने कहा कि आप केस वर्क में नहीं करते, देखो केस वर्क दो टाइप के होते हैं, अब आप समझ रहे होंगे यार यार ये तो दो टाइप कौन सा हो गया, अभी देखिए समझिए थोड़ी सी मेरी बात। एक होता है अभ्यास केस वर्क, जिसको आप कहते हैं प्रैक्टिस के लेवल पर, और एक होता है आप लोग उसे कहते हैं थ्योरी, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। तो दो दो टाइप के होते हैं। अच्छा ये दो टाइप आप केस वर्क भी होगा, ग्रुप वर्क भी होगा, कम्युनिटी वर्क भी होगा, ये इन तीनों जगहों पे क्या होते हैं भाई, लागू होते हैं। मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? बोलिए, हाँ फिर अच्छी बात है। हाँ तो देखो, अब यहाँ पे मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये समाज कार्य अभ्यास में के दिया सिद्धांतों में, तो उसके तीन श्रेणी थे, और वो तीन तीन श्रेणी के नाम आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से। एक तो होता है अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है शोध, अन्वेषण का मतलब होता है शोध, शोध जानते हैं आप, जिसको आप कहते हैं गन्वेषण। मैं देखो कई बार आप लोगों को हिंदी में बता देता हूँ सारी चीज़ें, आप उसे समझा करें थोड़ा सा इसको। ये जो एक प्रकार का शोध था, शोध को ही एक नाम दिया गया तथ्य विश्लेषण, और जो तथ्य विश्लेषण था उसका मतलब भी यही था, अन्वेषण ही नाम था उसका, मतलब कोई खोज करोगे तथ्य पे खोजोगे ना भाई। मान लीजिए मैंने कहा कि चले जाइए भाई लाल किला में, थोड़ा सा वहाँ पर आप खोज करिए कि वो जो बना हुआ पत्थर है वो किससे बना हुआ पत्थर है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आप जानोगे वहाँ पे कि भाई पत्थर ये जो बना है वो किससे बना हुआ है, तो उसके जानने के लिए आप कारणों का पता लगाएंगे। ये पहली बात, हुआ कहाँ, ये किस तरीके से आया, किस तरीके से बनाया गया,
विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज आपने करना वहां पे शुरुआत कर दिया। तो किसी काम को करने से पहले, जिसे आप अध्ययन करने से पहले पूर्वानुमान लगाएंगे, कुछ आइडियाज लगाएंगे। तो जब आइडियाज लगाने की कोशिश करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आपको कुछ कुछ तथ्य मिलेंगे, तो वह एक प्रकार का अन्वेषण हो जाता है। तो उसके बाद आपने क्या किया, निदान की प्रक्रिया संचालन किया। उसके बाद आपने निदान की प्रक्रिया का संचालन किया और निदान के बाद उसके बाद आपने उपचार की प्रक्रिया लगाया। तो याद रखना यहाँ पर, जब भी मैं आप सभी लोगों से कभी क्वेश्चन भी पूछूं कि समाज कार्य अध्ययन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, तो अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, समाप्ति, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। समाप्ति पहले आता है, उसके बाद प्रतिपुष्टि, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो जवाब हुआ आपका, ये गलत हो जाएगा आपका, यह जवाब आपका गलत हो जाएगा। तो कभी भी आप इसे समझिए, इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। मैंने अच्छे से शायद समझाया है आप लोगों को, और समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और आगे क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा। देखिए, चिंतन या सामाजिक तुलना पर स्व आधारित मूल्यांकन, आप जानते हैं स्व आधारित मूल्यांकन, जिसको आप कहते हैं सेल्फ बेस्ड इवैल्यूएशन, को किस रूप में जानोगे आप, जरा मुझे आप बताइए किस रूप में आप जानना चाहेंगे इसको, बताइए बताइए, जरा बोलिए। ओके, ए नंबर। चलिए, और भी कोई, देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पर इन्होंने कहा आत्म सम्मान, आत्म सम्मान। अब देखिए, जो आत्म सम्मान यहां पे लिखा हुआ है, इसका एक मतलब होता है, यानी आत्म सम्मान व्यक्ति के अपने मूल्यों पर बात करता है। बात को समझिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में बोलता हूँ उसको याद कर लीजिए। आत्म सम्मान से कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं, और यूजीसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यूजीसी के लिए। एमपीपीएससी वाले बच्चे थोड़ा इस पर ध्यान दें। आत्म सम्मान में आपको मैं बता दूँ, यह अपने मूल्य के व्यक्ति परक मूल्य की बात करता है, और वही है जहाँ पे चिंतन सामाजिक तुलना पर स्व आधारित मूल्यांकन होता है, वह एक प्रकार का व्यक्ति परक मूल्यांकन होता है। आत्म सम्मान अपने बारे में विश्वासों को शामिल करता है, विश्वासों का शामिल करता है। जैसे मैं योग्य हूँ, तो मैं योग्य हूँ भाई, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति परक मूल्यांकन कर रहा हूँ ना अपने आप को, मैं योग्य हूँ इस कामों में, कोई भी काम है ना। तो ये आपको बताऊँ, अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जैसे अगर प्रश्न ये कहे भाई कि निराशा को लेकर, गर्व को लेकर, विजय को लेकर, भावुकता वाली एक्टिविटी को लेकर, ये किन में शामिल है, क्या स्व जागरूकता में शामिल है, क्या आत्मरक्षा में शामिल है, क्या आत्मविश्वास में शामिल है, ये भी प्रश्न बना सकता है। बताइए भावुकता किस में शामिल है। तो भावुकता की जो स्थिति उत्पन्न भी होती है वो, क्योंकि व्यक्तिपरक है भाई, मैं व्यक्तिपरक हूँ, मैं अपने आप को मूल्यांकन कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि किसी व्यक्ति की अगर कोई समस्या आएगी तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही होगा ना, मैं भावुकता भावुक हो सकता हूँ ना उसको लेकर, लेकिन जब मैं कभी कोई कार्य करूँगा तो उसको भावुक होकर काम नहीं करूँगा। केस वर्क मत को समझिएगा यहाँ पर, तब मैं वहाँ पर भावुक होकर काम नहीं करूँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जब मैं अपने आप को स्वमूल्यांकन करूँगा तो वो भावुक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा यहाँ पर। स्व जागरूकता, ये तो भाई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, जो अपने आप को जागरूक करे, जो जिसके अंदर जिज्ञासा जैसी एक्टिविटीज़ होती है, जिसके अंदर जिज्ञासा जैसी गतिविधियाँ होती हैं, तो वह स्व जागरूकता होती है। चलिए, कौन बच्चा मुझे बताएगा, आत्मरक्षा, आत्मरक्षा बताइए, आत्मरक्षा क्या है भाई। सरल प्रश्न है, आप लोग बोल नहीं रहे हैं और नहीं जवाब देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, तो गरिमा को पता था, वेरी गुड गरिमा, बहुत अच्छा। देखो, ये जो आत्मरक्षा है, जैसे मैंने कहा कि अपने रक्षा की बात हुई है ना भी, जैसे मैं कहूँ स्वास्थ्य, तो अपना स्वास्थ्य की बात करो। देखो, कल मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, आज सही है, और शायद आप लोगों के पास मेरी आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई भी दे रही होगी, मेरे दो दिन से था, परसों से ही चल रही थी मेरी स्वास्थ्य का, है ना। तो जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान हो, किसी की भी स्वास्थ्य अगर ख़राब होता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज में भी थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है ना। तो चलिए,
तो यहां पर आप ध्यान रखिए स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य जैसे और स्वयं की भलाई को नुकसान की बात, जैसे अपनी भलाई का नुकसान से बचना, अपनी गतिविधियों के बारे में अगर कोई जिक्र करना, जिस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि अपनी रक्षा कर लेना, तो आत्म सुरक्षा, भलाई के भलाई को नुकसान से बचाना को शामिल जो एक्टिविटीज़ है वो इसी में है। जैसे खतरे के समय बल के प्रयोग के लिए कानूनी एक औचित्य के रूप में जो आत्म रक्षा का अधिकार होता है, वो आत्म रक्षा का जो आपने अधिकार का प्रयोग किया है वो आत्म रक्षा में किया है। तो आत्मरक्षा औचित्य के रूप में, कभी कभी प्रश्न बनता है औचित्य किस रूप में होता है, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर औचित्य क्या होता है, बताइए जरा, बोलिए किसी को पता है औचित्य? मोटिव, एक प्रकार से इनके कहना है मोटिव। देखो औचित्य का मतलब होता है उचित होने की अवस्था, उचित होने की अवस्था, एक प्रकार से कह सकते हो भाव, जहां पर आप भाव प्रकट कर रहे हैं, जहां आप अनुचित काम कर रहे हैं, अनुचित काम हो रहा है। तो अच्छा सॉरी, अनुचित कहने का मतलब ये हुआ जहां पे अनुचित कार्य हो रहा है, उन अनुचित कार्यों के आपने औचित्यों को, औचित्य को आपने क्या दिया है, प्राथमिकता दिया है। तो इसलिए आपको यहां पर कहा जाएगा कि भाव की प्रासंगिकता है, आपके पास उचित होने की अवस्था है, और वही आपको रिप्रेजेंट कर देता है आपका क्या, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस जिसको आप कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। आत्मविश्वास क्या होता है, कौन बताएगा आत्मविश्वास? मैं शब्दों के इसलिए तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ये एग्जाम में प्रश्न बनाए गए हैं। आत्मविश्वास क्या होता है, आत्मविश्वास बोलिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, चलिए बहुत बढ़िया भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। देखिए आत्मविश्वास शब्दों से अस्पष्ट है, मैं ये आपसे भलीभांति तरीके से कह सकता हूँ। जैसे आत्मविश्वास आप एक प्रकार से ये शब्द जोड़ सकते हो, भविष्य की स्थिति, भविष्य की स्थिति परिकल्पना करना, या कार्यवाही का एक चुना हुआ तरीका। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखें, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस में, तो जैसे भविष्य की स्थिति को लेकर और परिकल्पना की स्थिति को लेकर, जैसे कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, एक्शन का मतलब कार्य, कोई कार्य कार्यवाही, तो उसका जो चुनाव होगा वह तरीका एक सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे प्रभावी होना चाहिए, तभी आपके अंदर क्या आएगा भाई, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और आप तो भाई जानते हैं भलीभांति तरीके से, अभी मैंने समाज सुधार के आंदोलनों में आप सबको पढ़ाया है कि मन का संकल्प और शरीर के परमात्मा को यदि किसी काम को पूरी तरह से लगा दिया जाए तो सफलता मिल अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। तो यह है एक प्रकार का आत्मविश्वास जैसे शब्द आप लोगों ने सुना होगा, मोटिवेशन जैसे शब्द, विभिन्न प्रकार के कोटेशन आप वो लगाते हैं, वही आत्मविश्वास है जो आध्यात्मिक शक्ति है। तो आध्यात्मिक शक्ति को कौन रिलेट करेगा, आत्मविश्वास रिलेट करेगा। सामाजिक तुलना और चिंतन पर जब आप अपने आप का मूल्यांकन करेंगे, व्यक्ति परक होकर मूल्यांकन करेंगे, तो वह आत्म सम्मान कहलाएगा। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चार ऑप्शन समझाया है और यहाँ पर चार टाइप के प्रश्न भी समझाया हूँ मैं, समझ में आया तो ठीक है, या तो फिर कथा सुन रहे हो तो फिर तो आप अपना समझो भाई, है ना, कि मैं बांच रहा हूँ और आप सुन रहे हो मेरी कथा, है ना। देखिए आगे एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि कर्ता और सेवार्थी के बीच रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक होता है, रेसिप्रोकल प्रभाव कहलाता है क्या। अब आप देखिए यहाँ पर, जरा मुझे जवाब बताइए भाई फटाफट, क्या हो सकता है, अब बताइए जरा, बताइए जवाब, रेसिप्रोकल। देखिए देखिए एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जब कभी आपसे प्रश्न पूछे कि कर्ता और संबंध के बीच में, कर्ता और सेवार्थी के बीच में आत्मवाचकता, आत्मवाचकता, बात समझ रहे हैं आप, बताइए जरा, वाचकता कहने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। बोलिए अब समझ में आ रहा है,
इनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा फिर, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, जो आत्मवाचकता है, यह एक प्रकार का, अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह संप्रेषण की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है ना। यह कम्युनिकेशन की बात, और यह कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि आप जो बोलो सेवार्थी समझे, सेवार्थी जो बोले आप समझो, तो यह पारस्परिक प्रभाव होगा। तो सबसे अच्छी कम्युनिकेशन आत्मवाचकता कहलाती है, संबंध नहीं। संबंध बनाने गए हो उससे कि काम करने गए हो, समझ समझ तो होना चाहिए, अच्छी बात है समझ होना, लेकिन समझ किस पे होनी चाहिए आपकी, उसके तथ्यों पर समझ होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा, संबंध बनाने का मतलब ये हुआ, संबंध भी होने का तात्पर्य ये हुआ कि एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो घनिष्ठ संबंध, एक प्रकार से रेपो जो आप यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं इस वाले का संबंध घनिष्ठता से, तो ये संबंध एक प्रकार का ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए, अंतरण प्रत्यंतरण जैसी प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए इसमें। और अगर अंतरण प्रत्यंतरण अगर ऐसी प्रतिक्रियाएं आ गई तो फिर सोशल वर्क का जो कार्य है वो खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना, आत्मवाचकता, घनिष्ठता संबंध इसलिए बताता हूँ कि उसमें आपको गोपनीयता का ध्यान रखना पड़ेगा। तो गोपनीयता के लिए संबंध और घनिष्ठता वाला जो ऑप्शन है ये बेटर माना जाएगा। अंडरस्टैंडिंग या समझ की बात जब हो तो वह एक प्रकार से व्यक्तिकरण के सिद्धांत को फॉलो करेगा, किसको, व्यक्तिकरण के सिद्धांत को फॉलो करेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला मैं क्वेश्चन भी बात करता हूँ, व्यक्तिगत समाज कार्य के चरण के संबंध में। देखिए अब मैं आपको बता रहे चल रहा हूँ सोशल वर्क का, जो सोशल वर्क है ना वो सोशल वर्क कहता है कि भाई अध्ययन निदान उपचार प्रक्रिया करो, लेकिन देखो प्रश्नों को घुमाया किस तरीके से गया है। अगर मैं यहाँ पे कह देता समुदाय समाज कार्य के चरण बताइए और यही ऑप्शन लिखता तो भी मैं यही देता जवाब, समूह समाज कार्य के चरण लिखता तो भी मैं यही जवाब देता, व्यक्तिगत समाज कार्य का चरण लिखता तो भी मैं यही जवाब देता, समाज कार्य का चरण लिखता तो भी मैं यही जवाब देता। अब ये जवाब हैं क्या, क्या मुझे बता सकते हैं आप लोग, ये क्या चीज़ है, कौन बताएगा मुझे, बताइए, मैं जानना चाहता हूँ आप सबसे, बोलिए, रिप्लाई करिए मुझे जरा फटाफट कि व्यक्तिगत समाज कार्य के जो स्टेप हैं वो कौन कौन से स्टेप होने चाहिए, बोलिए भाई। चलिए भाई, इनका जवाब आया, शशांक सर आप भी बोलिए कुछ, चंद्रेश सर आप भी बोलिए। चलिए एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, पहले बात तो क्लियर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। जैसे जब कभी मैं आपसे कहूँ, अब देखो मैंने कहा कि केस वर्क समाप्त हो गया, मैंने आपको कल जब पढ़ाया था केस वर्क समाप्त कर दिया था। अब यहाँ से एक टॉपिक आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर समझिए मेरी बात को अच्छे से। मैंने कहा कि केस वर्क का प्रोसेस, मैंने आपसे कहा केस वर्क का प्रोसेस यानी प्रक्रिया, तो ऐसे में इन प्रक्रियाओं को चरणों में रखा गया था। तो व्यक्तिगत सेवा कार्य के अंतर्गत जितने भी समस्याएं आती थी व्यक्तिगत समाज कार्य के अंतर्गत, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता ने विभिन्न प्रकार की गतिविधि की, और उन गतिविधियों में बेसिकली क्या था, सबसे पहले आता था आपको मैं बता दूँ तो भर्ती को लेकर था, जिसको प्रवेश की बात करता था। अब आप सोच रहे होंगे सर भर्ती क्या चीज़ है, प्रवेश क्या है, ये तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिसको, तो मैं आपको बताऊं भर्ती का मतलब ये हुआ एक प्रकार से, आप मेरी बातों को समझिएगा अच्छे से। देखो यहाँ पर भर्ती एक प्रकार की प्रवेश कहा जाता है इसको, इसको क्या बोला जाता है, प्रवेश बोला जाता है, बात को समझ रहे हैं ना आप लोग एक बार। हाँ तो आप देखो इसको बोला जाता है प्रवेश। अब प्रवेश जानते हैं क्या होता है, प्रवेश बेसिकली सेवार्थी को उपचारात्मक सेवा प्रदान किए जाने के, यह एक पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप भर्ती होती है। और इन भर्ती के स्टेप में, इन प्रवेश के स्टेप में
हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति की निवारण की जो उपचार की गतिविधियां हैं उन प्रक्रियाओं को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे एक बात करूं, बोलो जैसे साक्षात्कार करके किसी निश्चित प्रक्रिया की तरफ चलना, तो इंटरव्यू की जो एक प्रकार का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जहां आपने पीड़ित व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक समस्याओं के बारे में पूछा कि क्या है मानसिक समस्याएं, क्या है आपकी शारीरिक समस्याएं, तो ऐसी समस्याओं को जहां पर आपने डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग किया है, क्या कब क्यों कैसे आया भाई, इन सारी चीज़ों का प्रयोग जो है वो भर्ती में आता है, जिसको आप कहते हैं प्रवेश में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग किस में होता है, तो भर्ती के प्रक्रिया में होता है, ये यह भर्ती के प्रक्रिया में होता है। तो वहाँ पर हम सेवार्थी की क्षमता को जानते हैं, सेवार्थी की अपनी प्रेरणा प्रेरक तत्व को जानते हैं, बाह्य तत्वों के कारकों के बारे में जानते हैं, समस्याओं के सहयोग के अपेक्षा करते हैं, हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आती हैं उसमें, विभिन्न प्रकार की है ना। तो सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य की प्रक्रिया एक ऐसी घटना है जिसमें समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो ये भर्ती की प्रक्रिया होगी, और भर्ती के जस्ट बाद अध्ययन होता है, और अध्ययन मुझे बताने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, जो कि इस अध्ययन में आपको तीन बात ध्यान रखनी है। नंबर एक पॉइंट केंद्रक, कोई बता सकता है मुझे केंद्रक क्या होता है? नंबर दूसरी पॉइंट, कोई बता सकता है मुझे अवलोकन क्या होता है? ये तीन बातें आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं अगर निदान हटा के केंद्रक दे दूँ, अध्ययन के बाद केंद्रक दे दूँ, निदान ना दूँ, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ऐसा प्रश्न एग्ज़ाम में मिलता है, और ये मिला है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ आप लोगों को, रिसर्च के पार्ट को लेकर है ना, तो UGC में। और अगर अवलोकन की बात करूँ, अवलोकन के बाद उसके बाद समवेशण होता है। तो ये तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, कहाँ पर भाई? UGC में, सॉरी यार, ये ध्यान रखना है आपको व्यक्तिगत समाज कार्य के चरणों में, जिसमें से अध्ययन का पार्ट होता है। ये तीन बातें, अध्ययन केंद्रक होता है, अवलोकन होता है, और समावेशन होता है। अब एक एक बात करके सही ध्यान से, केंद्रक फिर क्या है? प्रवेश, समझ गए ना, WH फैमिली, बस यही याद रखिए, WH फैमिली, उसके बाद आपको कुछ ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। और दूसरा देखिए, केंद्रक समझिए, देखिए केंद्रक क्या था, कौन बताना चाहेगा मुझे केंद्रक क्या था? व्हाट इज सेंट्रल, केंद्रक क्या होता, कोई बोलिए अपने मन में, अपने मन से बताइए, कोई बोलिए। वेरी गुड बिंदु, शाबाश। और कोई? केंद्रक मीन्स बिंदु भी होता, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। देखो मैं आपसे बताऊं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, और ये बिंदु है कौन, केंद्रक में है कौन? सेवार्थी है ये केंद्रक। सबसे बड़ी चीज क्या बोलता है? सेवार्थी की। किसकी बात करता है? सेवार्थी की। ध्यान रखना आप लोग, सेवार्थी कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होता है, परंतु उसकी कोई विशिष्ट समस्याएं भी होती हैं। कई समस्याएं तो हैं उसके साथ साथ, लेकिन एक समस्या ऐसी है जो उसकी विशिष्ट है, जो बार बार समाज में, परिवार में, पड़ोस में, विद्यालय में, विभिन्न समुदायों पर वो क्या करती है, उसको अवांछनीय करने के लिए पुनर्बलित करती है, उसको एक प्रकार से आप कह सकते हो उसे बार बार फोर्स करती है। तो उसी विशिष्ट समस्याओं को आपको क्या करना है? केंद्रित कर लेना है। सिंपल बात बताता हूँ, देखिए एक मान लीजिए 6 साल का बच्चा है, और एक 6 साल का बच्चा बार बार अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल की बात मैं करूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, समझिए मेरी बात को ध्यान से आप लोग। जैसे मैंने कहा कि 6 साल का बच्चा है, और वो बच्चा डिसेबिलिटी का क्षेत्र का मान लीजिए, और डिसेबिलिटी के क्षेत्र में अब ये बच्चे को विद्यालय भेजा गया, स्पेशल विद्यालय में, और जब स्पेशल विद्यालय में भेज दिया गया तो आप इस, अब इसको ध्यान समझिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से, वह दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में उसका कंट्रोल नहीं है, दैनिक जीवन डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पर उसे कंट्रोल नहीं है, है ना, यूरिन पर उसका कंट्रोल ही है नहीं। तो आप सोचिए, उस 6 साल के बच्चे के लिए पहली सबसे बड़ी समस्या, यहाँ पर हम सब के लिए, एक टीचर के लिए, एक अध्यापक के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, इस समस्या का निदान करना उचित होगा कि नहीं होगा? कि सबसे पहली बात कि ये यूरिन जो स्वतः हो जा रही है ये समाप्त हो जाए, सबसे पहली चीज़ तो हमें यही फोकस करता है, क्योंकि समाज में उसे उठना है, चलना है, बैठना है, ये समस्याओं से क्या हो सकता है, अगले दूसरे व्यक्ति को भी समस्या हो सकती है। अच्छा, ये नहीं समझ में आया तो दूसरी समस्या ले लीजिए, जैसे मैं कहूँ हिट करना, मारना, बताइए। अच्छा, अगर किसी बच्चे को अगर बार बार आप यहाँ पर सोचिए, हिट करना, मारना, अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मारता है तो इसलिए डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो हालांकि उसकी समस्याएं तो बहुत हैं, क्योंकि वो डिसेबल बच्चा है,
उसका विकास ही सही तरीके से नहीं हुआ है। विकास डिले हुआ है, डिले का मतलब होता है एक प्रकार से अवरुद्ध हुआ है, बाधा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, देरी से हुआ है विकास। तो यह समस्या सबसे पहले हमें समाप्त करना होगा, और यह समस्या समाप्त करने के लिए सबसे पहला काम यह होगा कि हमें केंद्रक करना पड़ेगा, और हमने जो केंद्रक किया है वह अध्ययन का एक पार्ट माना जाता है, यह स्वार्थी का होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर दो, अवलोकन क्या होगा, केंद्रक समझ गए ना, जैसे मैंने उस व्यवहार को ले लिया, जैसे मैंने मारना को ले लिया, मैंने गोल ले लिया कि हम मुझे काम करना मारना ताकि वो बच्चा हिट ना करे, मैंने कोई प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया यूरिन पर कि भाई वो ताकि बार बार जो है उसी समय पर जब हो रहा, जैसे आपने टाइम देखा कि 3 बजे कर रहा है, 4 बजे कर रहा है, यूरिन हो रहा है स्वतः से, या 12 बजे 11 बजे जिससे भी टाइम पे हो रहा था, आपने 10 मिनट पहले उस समय को टाइम फिक्स किया और 10 मिनट पहले ही उसे आपने क्या किया, वॉशरूम भेज दिया, है ना। तो यह टेक्निक है, एक प्रकार का प्रशिक्षण आपने यूज़ किया यहाँ पर, यह प्रशिक्षण आपने 10 मिनट पहले भेजना, यह प्रशिक्षण स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके की गतिविधि उस केंद्रक को कहा जाता है। अवलोकन क्या हुआ, अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। हाँ बोलिए, नहीं केयर टेकर, वो नहीं नहीं देख रहे, केयर टेकर हो जाएगा, यहाँ पे केंद्रक नहीं होगा, वो केंद्रक का समस्या को रिलेट करिए आप, केंद्रक सोचिए। अच्छा अच्छा अवलोकन, वेरी गुड, हाँ अवलोकन देख रहे, देख कर, वेरी गुड, शाबाश, देख कर सुनकर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई भी अवलोकन, और कोई बताना चाहेगा अवलोकन? हाँ वेरी गुड, देखो ऑब्जर्वेशन अवलोकन एक प्रकार की, मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर सेवार्थी के मनोभावों को, सेवार्थी के मनोभावों का आप अध्ययन के दौरान जब आपने सूक्ष्म तरीके से, सूक्ष्म का मतलब होता है एक प्रकार से फाइन, फाइन फाइन का मतलब होता है अच्छा, फाइन मतलब अच्छा, मत समझिए भाई, है ना, फाइन का कई मतलब होता है ना, फाइन का मतलब, हाँ फाइन का मतलब कई, जुर्माना, हाँ देखो किसी ने बोला जुर्माना, एक होता है फाइन का मतलब सूक्ष्म, एक होता है फाइन का मतलब सोच, सोशल वर्क की आप इंग्लिश में देखेंगे तो फाइन ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और हिंदी में मिलेगा सूक्ष्म, हिंदी में मिलेगा आपको सूक्ष्म, है ना, इस तरीके से हिंदी में सूक्ष्म मिलेगा। तो सेवार्थी की जब कभी आप यहाँ पर मनोभावनों का, आप मनोभावों का जब आप अध्ययन करते हैं सूक्ष्मता से, मतलब बहुत बारीकी से, तो उसमें भावनाओं के ध्यान में रखते हुए आप उसका ऑब्जर्व करते हैं, तो अवलोकन उसकी समस्या के समाधान की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर अवलोकन करते हैं। तो बड़ी बारीकी से करना होगा आपको कि कितनी बार मार रहा है वो, कितनी बार, अब दोबारा से जब से आप कार्य केंद्रित किया है कार्य को उस समस्या को लेकर, तो कितनी बार वो यूरिन स्वतः से कर रहा है, तो ये बड़ा बारीकी से करना पड़ता है, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना पड़ता है, आप लोगों को टास्क एनालिसिस करना पड़ता है, कार्य विश्लेषण करना पड़ता है, उनके माध्यम से उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है, तो वो अवलोकन बहुत जरूरी है। अवलोकन का मतलब जैसे उसके पिता से पूछ लीजिए घर पे कितनी बार किया, विद्यालय में, इन दोनों का कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए भी, और उनको बताना चाहिए कि घर पे 2 बार किया, अगर टीचर, अगर वो पेरेंट्स ने ऐसा बताया आपको तो आप टेक्निक लगाइए, विधि लगाइए, कोई सोशल वर्कर हुआ मेथड लगाइए, बहुत सारे मेथड्स हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ पर किया है तो आप उसे डायरी में मेंशन करिए, उस बच्चे का, उस बच्चे को डायरी में मेंशन करके भेजिए उसको, या किसी भी तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे आप सेलफोन का यूज़ करिए, किसी भी तरीके से यूज़ करके आप उसे बताइए कि विद्यालय में इतनी बार किया, यहाँ पर इस NGO में इतनी बार किया, इस तरीके से उन्हें बताइए। तो यह एक प्रकार का क्या करा, मदद करने की गतिविधि के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा अवलोकन। एक पॉइंट और आता है समावेशण, जरा मुझे बताइए समावेशण का मतलब क्या होता है, समावेशण का मतलब क्या होता है, समावेशण, समावेशण का मतलब होता है एक प्रकार की विधि होती है जिसमें कार्यकर्ता सेवार्थी की, जो विधि होती है जिसमें कार्यकर्ता और सेवार्थी की एक मन की स्थिति के व्याप्त संवेग, जो संवेग है व्यक्ति की, जो भावनाएं हैं व्यक्ति की, जो छुपी हुई हैं बातें, उन बातों को बाहर निकालो, वो समावेशण है। बहुत बच्चे हैं बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए अगर आपने पूछा उससे भाई तुमने कितनी बार बच्चों को मारा, वो बोलेगा नहीं। मान लीजिए बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, हर एक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जब उसे पूछोगे तो वो बताएगा ही नहीं, वो उसकी भावनाओं, उसके संवेग को समझो, वो समावेशण है। और ये 3 पॉइंट कहाँ पर देखते हैं आप लोग, अध्ययन में देखते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से, है ना। और मैं इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा भी, ठीक है, इसका डीप में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करता हूँ, उसके बाद आता है निदान, अध्ययन के बाद आता है निदान। अच्छा निदान के मैं देखो एक चीज़ बता दूँ,
निदान आप जानते हैं, सोशल डायग्नोसिस की बात करूं तो मैरी रिचमंड का तो नाम तो पक्का है भाई, आपको पता होगा कि 1917 में सोशल डायग्नोसिस नाम पुस्तक पे, उस पे तथ्य पर आधारित कुछ गतिविधि की, तथ्यों के आधार पर उन्होंने कुछ बातें बताई, दूसरी बातें उन्होंने निदान बताया, तीसरी बातें उपचार बताया था। तो ये तो आपको भलीभांति तरीके से पता है, लेकिन पार्लियामेंट का भी नाम आता है निदान में। निदान में पार्लियामेंट कहता है कि तथ्यों के आधार पर जो आपने कारणों का पता लगाया है, उस कारणों का पता लगाकर आप करने वाली जो गतिविधियां हैं वो है क्या आपकी, तो वो है ट्रीटमेंट, वो है उपचार। तो बेसिकली जब मानसिक क्रिया समस्या के प्रत्येक अंग का जब आपने परीक्षण किया, उसकी विशिष्ट प्रकृति के बारे में संगठन की जानकारी दी, या उसके संबंध में आपने जो ज्ञान या जो निवारण जो संसाधन का पता लगाया, वो निदान ही तो कहलाएगा भाई। निदान क्या कहलाएगा? निदान तो यही कहलाएगा आपको, तथ्यों पर आधारित है ये। और बेसिकली निदान को इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया था, पार्लियामेंट ने कहा था तीन भागों में निदान को, निदान को पार्लियामेंट ने तीन भागों में डिवाइड किया, और एक का नाम रखा गतिशील निदान, एक का क्या नाम रखा था? गतिशील निदान। बात को बड़े अच्छे से समझिएगा आप लोग। और दूसरे का नाम रखा था कारणाविनेशी निदान, और तीसरे का नाम रखा था उपचारात्मक। जरा मुझे बताइए अब आप लोग कि गतिशील निदान का, ये पार्लियामेंट का कॉपी आपके सामने अगर है तो आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रही भैया है ना, तो नोट डाउन कर लिया करें आप लोग ऐसी चीज़ों को। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, इसलिए चलिए बताइए जरा गतिशील निदान क्या हो सकता है। जो गतिशील निदान है, जो मतलब पूरा नहीं हुआ चल रहा है। चलिए भाई, और भी कोई सज्जन जो बताना चाहें गतिशील निदान के बारे में, बोलिए गतिशील निदान के बारे में। चलो कोई नहीं बताना चाहेंगे। देखिए बेसिकली क्या है गतिशील निदान में, मैं तीन चार बातें बताना चाहूँगा यहाँ से ज़्यादा। देखो पहली चीज़ तो आप, ये तो आप समझ चुके हैं निदान क्या है, कारणों का पता लगाना, उपचार की योजना बनाना, ये एक प्रकार की निदान है। ये आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया, आपको ये चीज़ें पता हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना यहाँ पर ये चाहूँगा कि जब व्यक्तिगत समाज कार्य एक प्रणाली के रूप में देखी गई थी, तो उस समय वहाँ पर कुछ चर्चा हुई थी कि चरणबद्ध प्रक्रियाओं में निदान, अध्ययन, उपचार, ऐसी जो मूल्यांकन जैसी गतिविधियाँ हैं वो एक प्रणाली के रूप में हम इसे समझ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि सेवार्थी अपने पर्यावरण के विषय में स्थिति की जब ठीक ठीक परिभाषा कर सके या परिभाषित कर सके, तो वह एक प्रकार के क्या होगी? निदान होगी। यानी यहाँ पर कीवर्ड्स आप ये भी समझ सकते हो कि स्थिति को ठीक ठीक करना, तो सेवार्थी उसके पर्यावरण के विषय के संबंध में जब स्थिति को ठीक ठीक से समझता है, तो वह एक प्रकार का निदान की प्रक्रिया है। और ऐसी कंडीशन पर आप पार्लियामेंट को नहीं कहेंगे स्थिति को ठीक ठीक से समझना। स्थिति को ठीक ठीक से समझना कौन कहा था? मैरी रिचमंड कहा था। अब आप लोग मत कहना भाई, देखो मैं इस बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे पास वीडियोस भी हैं, मैं वीडियो के माध्यम से प्रूफ करूँगा आपकी, मैंने आप लोगों से बोला है वो सारी चीज़ें बताया है, इसलिए प्रश्नों को गलत मत करके आना एग्ज़ाम में। जब मैं आप सबको कह रहा हूँ कि स्थिति की ठीक ठीक परिभाषित कर देना वह निदान की प्रक्रिया कहलाएगी, तो ये मैरी रिचमंड कहा था। लेकिन जब मैं आपसे कहूँ कि बताइए जरा कारणों का पता लगाना और उपचार की योजना बनाना, तो ये किसने कहा था? तो वह बताना आप लोग, किसका नाम? H.H. पार्लियामेंट, हेलन होरिस पार्लियामेंट का नाम। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बेसिकली क्या हुआ, थिंकिंग थॉट द फेस, इसको हम आप कह सकते हैं कि भाई स्थिति को सही तरीके से क्या करना है, उसका पता लगाना। तो बेसिकली तथ्यों के आधार पर जो चीज़ सोची जाती है वो निदान की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसी निदान की प्रक्रिया में जो गतिशील की प्रक्रिया होती है वो एक मूल्यांकन वाली जैसी गतिविधि होती है, जैसे सेवार्थी होगा उसमें, निदान की प्रक्रिया में सेवार्थी होगा, तो गतिशील एक प्रकार से होने वाली जो गतिविधि होगी वो सेवार्थी के परिप्रेक्ष्य में होगी। तो यहाँ पे तीन बातें आती हैं गतिशील में, एक तो सेवार्थी को ध्यान रखो, दूसरी समस्या को ध्यान में रखो, तीसरा वातावरण। तो समस्या कौन सी है, सेवार्थी कौन है, मतलब सेवार्थी की एज, उम्र वगैरह, समस्या को देखो, समस्या कौन सी है और वातावरण कैसा है, इन चीज़ों को ध्यान रखो। ये गतिशील को रिप्रेजेंट करता है, यह गतिशील को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो कारणाविनेशी देख रहे हो आप लोग, कारणाविनेशी का मतलब होता है एक प्रकार से, मैं अगर आपसे कहूँ अतीत की घटनाएं होती हैं, अतीत की घटनाएं, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अतीत की घटनाएं, एक बार बताइए जरा, अतीत की घटनाएं मतलब ये होता है कि जिससे जो पूर्व में कोई जो घटना घटित हुई है ना, उस घटना को ध्यान में रखते हुए आप उसका निदान करिए। तो
अतीत की जो बीती हुई घटनाएं हैं वो क्या कहलाती है, कारणाविनेशी कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, उपचारात्मक निदान क्या होता है। उपचारात्मक निदान हर श्रेणी, जिसको हम इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, श्रेणीगत तरीके से भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, गतिशील सेवार्थी समस्या वातावरण की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है वर्तमान की बात कर रहा है। बोलो किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। और जब कारणाविनेशी की बात हो रही तो आपको मैंने पहले बता दिया अतीत, तो इसका मतलब पता चल गया कि ये भूतकाल की बात कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात बताइए। और अगर मैं आपसे उपचार की बात करूँ तो उपचार निदान की बात किसकी हो रही, भविष्य की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो जहाँ पर श्रेणी के आधार पर अलग अलग योजना बनाना होता है, अलग अलग योजना बनाना होता है, वह एक प्रकार का श्रेणीकरण करना होता है, तो वह एक प्रकार की जो क्रिया कहलाती है वो उपचारात्मक एक्टिविटी के ही अंतर्गत आती है। तो जहाँ पे लक्षणों के आधार पर काम किया जाता है, लक्षण के आधार पर काम किया जाता है, वह उपचारात्मक की क्रियाविधि कहलाती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। निदान में या दूसरा चरण है, निदान दूसरा चरण माना जाता है बेसिकली, एग्ज़ाम में ध्यान रखना। और यह प्राथमिक प्रणाली का पार्ट है निदान, और समस्या समाधान करने में बड़ी सहायता करता है ये निदान, और यह एक निश्चित प्रक्रिया का पालन भी करता है, एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करता है। ये बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई, एक बार कन्फर्म करिए मुझे, कन्फर्म करिए। चलिए आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को। उसके बाद आता है उपचार। उपचार की बात करो, देखो मैंने ये पढ़ाया नहीं था आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर समझाने में। समझिए, ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो बताइए, कम कर देता हूँ, स्लो कर दूंगा, और नहीं तो आप वीडियो देखना तो उसके एक नॉर्मल करना होता है, तो आप नॉर्मल से नीचे आ जाना तो जो उसका स्पीड होता है ना वो कम हो जाएगा, तो वहाँ पे आप स्पीड करके वीडियोज़ में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर उपचार का। अच्छा, उपचार आप भली भांति तरीके से जानते हैं उपचार क्या होता है। अच्छा, उपचार का मतलब ये हुआ कि सेवार्थी की हताशा, उपशमन, जरूरतमंद व्यक्तियों की सामाजिक कार्य प्रणाली पुनर्स्थापन करना, अनुरक्षण करना, सामाजिक कार्य प्रणाली का प्रयोग में लाना, संवर्धन करना, यह उपचार कहलाता है। अब इतना लंबा चौड़ा बोला हूँ तो शायद आपको समझ में भी नहीं आया होगा उपचार की परिभाषा क्या क्या उसमें जोड़ दिया। एक तो मैं इतनी शब्द बोल देता हूँ, हताशा, उपशमन, है ना, तो आप टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये जो उपचार है ना, कंफ्यूज मत होइए इस उपचार को। अच्छा, मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे वो चीज़ें, ऐसे शब्द जो है इंग्लिश मिलेंगे आपको पेपर में तो आप समझ जाना कि भाई हाँ ये रोहन सर ने बोला है ऐसे ऐसे शब्द भी। तो उपचार समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता, उपचार समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता की दिशा में निर्देशित करती है। क्या करती है, समस्या के सहायता में निर्देशित करती है, और गतिविधि और सेवाओं का योग माना जाता है इसे। गतिविधि, गतिविधि का मतलब एक्टिविटी, और सेवाओं का योग माना जाता है, तो बेसिकली मध्यस्थता कहा जाता है इसको, उसको ठीक करना है आपको। मध्यस्थता ही उपचार है, उपचार ही मध्यस्थता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। अब बेसिकली क्या है इसमें कि सेवार्थी की क्षमता का आप वहाँ पर देख रहे हैं, उसकी क्षमता क्या है। बाय द वे हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या, बोल रहे हैं भाई कोई, चलो अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर अवसाद के लोगों को आउटपुट देना, जैसे मैं आपसे कहूँ डिप्रेशन से कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो आप क्या करते हो उसके लिए, सोशल वर्कर हो ना आप उसको क्या करते बताओ, उसको आउटपुट देते हो नहीं देते हो, आउटपुट देते हो ना। तो सामाजिक, यह एक सेवार्थी क्षमता का संरक्षण कर रहे हो आप, संरक्षण कर, तो ये उपचार की गतिविधि है। जैसे एक बात करो कि बाल अपराधी एक समाज के लिए समस्या है, बाल अपराधी एक समाज के लिए समस्या है कि नहीं, समस्या बताइए, समस्या है भाई, सिंपल बात है, समस्या है। और आपके आपका उद्देश्य क्या है, आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि उस बाल अपराधी वाले जो व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यह आपका उद्देश्य। तो ये एक प्रकार के उपचार की प्रक्रिया कहला रही है, वह एक प्रकार की उपचार की प्रक्रिया कहला रही है। बाय द वे मान चलिए वातावरण में परिवर्तन करना है आपको, जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति है, अब वो दिव्यांग व्यक्ति
दिव्यांग व्यक्ति जो है फिजिकल है, उसे एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो क्वाड्रीप्लीजिया हुआ है। क्वाड्रीप्लीजिया, देखो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें बताऊँगा, अब ध्यान समझिए। मोनोप्लीजिया, हेमिप्लीजिया, एक प्रकार से शारीरिक दिव्यांगता से लिया गया हुआ है। तो जो क्वाड्रीप्लीजिया होता है, संपूर्ण शरीर क्या होता है उसका प्रभावित होता है। ये सेरेब्रल पॉलिसी का एक पार्ट है, जिसको आप बोलते हो हिंदी में प्रमस्तकीय पक्षाघात। तो बेसिकली उस बच्चे को आप, अब वो व्हील चेयर पर चलता है, अब आप बताइए जरा उस बच्चे को अगर विद्यालय जाना है और वहाँ पर क्या नहीं बना हुआ भाई, सीढ़ियाँ नहीं बनी। और ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए एक रैंप रैंप होता है, रैंप वॉक होता है, आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। उस रैंप के माध्यम से क्या करता है बच्चा, वहाँ पर जाता है विद्यालय में, ताकि वो प्रवेश कर सके। तो आपने ये उपचार किया कि नहीं किया बताइए जरा, उपचार किया ना उस बच्चे के लिए, ये उपचार है। मेरा कहने का तत्पर उपचार बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो आप, ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो आपको मैं बता रहा हूँ यहीं पे। ये चीज़ है परामर्श के माध्यम से। मान लीजिए आपने व्यवहार में परिवर्तन किया, कोई व्यक्ति कुंठित है, कोई व्यक्ति बार बार नाखून काट रहा है, तो उसको सजेशन ही तो दोगे कि भाई मत करो ऐसा, या एक असामाजिक व्यवहार है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, विभिन्न प्रकार के होते हैं बिहेवियर, है ना। तो ये हो जाता है। और उसके बाद होता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, मुझे इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिसका आप क्या करते हैं कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा, इन सभी चीज़ों का क्या करना, एक प्रकार से इवैल्यूएशन करना, कितना सीखा है कितना नहीं सीखा, ये चीज़ें हो जाएगी। और उसके बाद कार्य की आपने क्या कर दी, समाप्ति की, और समाप्ति के बाद आपने प्रतिपुष्टि किया, फीडबैक लिया। तो ये चीज़ें आती हैं, इतना स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी वाले बच्चों के लिए। और एमपीपीएससी वाले बच्चे ध्यान दें, इनके सभी के बारे में मैंने बता दिया है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। अध्ययन पे प्रश्न बन सकता है, सोशल डायग्नोसिस पे प्रश्न बन सकता है, उपचार पे प्रश्न बन सकता है, मूल्यांकन पे प्रश्न बन सकता है, समाप्ति पर भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ही सही था, जिस ऑप्शन को मैं लेकर चल रहा था आप लोगों को। अगला प्रश्न लेते हैं, समझ में आ रहा सबको भाई, बताइए। नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइए, और समझ में आ रहा तो भी बताइए, बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4P, अरे 4P भाई बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान रखिए। चलिए मुझे अच्छा बताइए, आप 4P ही है, ऐसी बात नहीं है, यही 4P है। हाँ तो चलिए आप जरा मुझे बताइए इसका क्या सही जवाब होना चाहिए इस प्रश्न का, कि समाज व्यक्तिगत कार्य पद्धति में का सही क्रम कौन सा होना चाहिए। क्रम कौन सही बताएगा भाई मुझे, मुझे क्रम कौन इसका सही बताने वाला है बच्चा, बताइए इसका सही क्रम। बोलिए क्रम। अच्छा व्यक्ति समस्या, ओके वेरी गुड। चलो और बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये आपने नाम सुना होगा 4P मतलब पार्लियामेंट, एच एस पार्लियामेंट। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो व्यक्तिगत समाज कार्य में एक ऐसी प्रक्रिया है ये, जो उसमें निहित है, जो व्यक्तित्व के विकास के अनुभूति के प्रभाव के द्वारा सामाजिक परिवेश के द्वारा कार्य करती है। तो वह एक प्रकार का कहलाता है व्यक्तिगत सेवा कार्य की पद्धति। और ऐसी से व्यक्तिगत सेवा कार्य की पद्धति में एक नाम आता है 4P, जो नाम है 1957 का। 1957 में समस्या समाधान का उपागम दिया था, उस समस्या समाधान के उपागम में उसका नाम आता है पार्लियामेंट का। और उसने कहा सबसे अहम बात कि स्थान, हालांकि विभिन्न प्रकार के किताबों में, अच्छा यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आ रहा है, स्थान व्यक्ति समस्या प्रक्रिया, व्यक्ति समस्या स्थान प्रक्रिया, समस्या व्यक्ति स्थान प्रक्रिया, व्यक्ति समस्या प्रक्रिया स्थान, ये चार ऑप्शन है इस तरीके से। तो यहाँ सही सबसे, अगर मैं सुटेबल आपको इसका जवाब बताऊँ तो व्यक्ति सबसे पहले होता है, और उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति है वह व्यक्ति स्त्री पुरुष बच्चे युवा किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, पार्लियामेंट कहता था ये व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है। उसके बाद उसने समस्या बताया, और समस्या आप ये समझिए, समस्या का समाधान अगर मैं आपसे करूं तो समक्ष बनाने की प्रक्रिया होती है यहाँ पर समस्या का। तो बेसिकली जो समस्या थी वह समस्या मनोसामाजिक समस्या हो सकती है, समस्याएं तो बहुत होती है भाई,
तो चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, कोई भी समस्या जो हो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद स्थान, और स्थान का मतलब ये होता है प्लेस, निजी, सार्वजनिक, प्राथमिक, द्वितीयक, बहुउद्देशीय, विशिष्ट, कोई भी ऐसा प्लेस हो सकता है जहाँ पर आप उसको मदद कर सकते हैं उसकी। और उसके बाद होता है, अच्छा समस्या तो आपको समझ में आ गया, स्थान समझ में आ गया, प्रक्रिया, प्रक्रिया समस्या का समाधान करने का एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें आप अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन और उसके बाद समाप्ति, फिर प्रतिपुष्टि जैसी प्रतिक्रिया का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो यह एक प्रकार का प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो ध्यान रखना ये सारी की सारी बातें। तो व्यक्ति स्त्री पुरुष, आयु किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है। समस्या भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी कौशल या उद्देश्यों में असफल हो जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे मंदित बच्चा है, एक दिव्यांग बच्चा है, वो पढ़ाई करना चाहता है परंतु वो पढ़ लिख नहीं पाता है, मंद बच्चा लेकिन पढ़ाई करना चाहता है वो, तो एक प्रकार से यह प्रॉब्लम हुई उसके लिए। और इस प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान करने के लिए चाहे वो कोई, आप सार्वजनिक स्थान पर जाकर दीजिए, चाहे उसके घर पर जाकर दीजिए, चाहे उसे आप बुला लीजिए अपने इंस्टीट्यूट में, कहीं पर बुला लीजिए, इस पद्धति का फॉलो करिए। वो स्थान पर किसी भी एक स्थान का चूज करिए। फिर उस स्थान का जैसे ही आपने चूज कर लिया, उस स्थान के बाद आप क्या करें, प्रवेश का प्रयोग करें। जैसे व्हाट, मैंने कहा WH फैमिली, आपको पता है, तो WH फैमिली का प्रयोग करिए आप। समस्या क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ से आए, कब है, इसके बारे में जानिए। और उसके बाद इस प्रक्रिया में आप अध्ययन करिए, और अध्ययन को उन बातों को ध्यान में रखिए जो मैंने अभी उपरोक्त बताया आप लोगों को, सारी बातें है ना। और अध्ययन के बाद निदान, उसके बाद निदान के बाद मूल्यांकन, उपचार, उपचार के बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन के बाद समाप्ति, समाप्ति के बाद प्रतिपुष्टि, ऐसी प्रक्रियाओं का आप संचालन करिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का आया है। हाँ बोलिए बोलिए। हेलन होरिस पार्लियामेंट, लिखिए स्क्रीन पर, हेलन, हेलन होरिस पार्लियामेंट 1957, ओके ठीक है, ये हो गया। अब एक देखो, पहली बात तो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ भाई, व्यक्तिगत समाज का ये कौन कौन से कॉन्फ्रेंस से आए, कहाँ से आए, सहायता और जानम शब्द जो है कहाँ से प्रयोग में लाया गया, ये तब तो मैंने पहले बता चुका था आप लोगों को, पहली भी बात है ना। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्यक्तिगत समाज कार्य में एक शब्द है मार्गदर्शन, जिसको आप कहते हो मंत्रणा, क्या बोलते हो, मंत्रणा। उस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने शुरुआत किया था इस शब्द का। मैंने सहायता शब्द नहीं पूछा है, सहायता शब्द नहीं पूछा है, मैंने सहायता शब्द नहीं पूछा है। सहायता शब्द शुरुआत की है 16वीं 17वीं शताब्दी में बेसेंट डीपॉल ने, अगर याद है तो, अभी मैंने लास्ट टाइम में क्वेश्चन करवाया है, ये प्रश्न इसी का पार्ट है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसी क्वेश्चन का पार्ट है, अभी आएगा आगे टाइम में। और उसके बाद मैंने बताया था मैरी रिचमंड सोशल डायग्नोसिस था, और उसके बाद बताया था ओजानम ने व्यक्तिगत सहायता दी थी, और व्यक्तिगत सेवा कार्य जो शब्द है पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क में इसका प्रयोग मिलाया गया था। प्रश्न मेरा ये है आप सभी लोगों से कि मंत्रणा शब्द, जिसको आप मार्गदर्शन कहते हो, जिसको आप काउंसलिंग कहते हो, उस शब्द का सबसे पहले किस व्यक्ति ने प्रयोग मिलाया था। बर्था रेनॉल्ड, वेरी गुड, बर्था रेनॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। एक और प्रश्न, सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य में, को सारे के सारे प्रश्न वही है, सेवा कार्य में के बैठक के स्थान की चयन का अधिकार अधिमान्यता डैश में निहित है। देखो अब प्रश्न को समझिए, जो सोशल केस वर्क है उस केस वर्क में बैठक के स्थान के चयन का, बैठक का मतलब मीटिंग के स्थान के चयन का अधिकार अधिमान्यता में निहित है, सेवार्थी में कि एजेंसी में कि सामाजिक कार्यकर्ता में कि सेवार्थी के साथ व्यक्ति में, ओके okay. और कोई भी सज्जन, ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, देखो चलो मेरी बात कुछ ध्यान सुनिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन नंबर में, तो इस क्वेश्चन नंबर का जो सही जवाब होगा कि सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का जो बैठक हुआ है
वो किस में होना चाहिए? तो सेवार्थी में होना चाहिए, याद रखिए। बैठक किसके परिपेक्ष में होता भाई? व्यक्तिगत कार्य कर रहे हो यार, दिमाग लगाओ। केशवर काम कर रहे हो तो केशवर किस पे आधारित होता है, तो वो किस पे चयन करता है? सेवार्थी पर चयन करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग सही जवाब तो दे रहे हैं मुझे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवार्थी। अब एजेंसी नहीं है, देखो अब यहाँ पर बहुत बच्चे कहते हैं कि भाई कि सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य की बैठक के स्थान पर चयन जो है एजेंसी का भी अधिकार हो सकता है, उसमें निहित है। तो पर्टिकुलर मैंने आपसे ये चीज़ तो नहीं बताई भाई, यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि वो जो अध्ययन की प्रक्रिया है, उस अध्ययन की प्रक्रिया में जो मीटिंग आपने स्टार्ट किया है, जो इनेट जो आपने इनटेक की बात कर रहा हूँ, जिसको प्रवेश की बात कर रहा हूँ, भर्ती की जो बात कर रहा हूँ, उस भर्ती की प्रक्रिया को जब आपने आगे बढ़ाया, WH फैमिली के आगे बढ़ाया, तो उस सेवार्थी की में अध्ययन किया, तो अध्ययन करने में केंद्रित कौन था, उस पर चयन किसका किया है आपने? सेवार्थी को तो चयन किया भाई, उसकी समस्या ही तो जान रहे हो। समवेशण, अवलोकन, चयन, केंद्रक, ये गतिविधि सेवार्थी की ही तो कर रहे हो आप वहाँ पर, तो अध्ययन का पार्ट है ये। अभी वो लास्ट जो मैंने बताया है प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया से क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पे सेवार्थी को लेकर, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलो यहाँ पर प्रश्न ये है कि विशेषता एक तरफ है, एक तरफ है व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांत। जरा मुझे बताइए व्यक्तिगत समाज कार्य का जो सिद्धांत है वो किससे किससे उसकी विशेषताएँ रिलेट कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत ही सरल प्रश्न है और आप कर भी सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। तो जरा मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो अनोखापन देख रहे हैं ना, अनोखापन मतलब एक यूनिक होता है हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, और ये एक व्यक्ति व्यक्तिकरण भी के अंतर्गत आता है। और आप ध्यान रखते हैं वस्तुनिष्ठता को लेकर, वस्तुनिष्ठता किससे होगी? ये ऑप्शन पे मत जाना भाई, ऑप्शन गलत है। स्वीकार करेंगे आप स्वीकारता, अनिर्णात्मकता, वस्तुनिष्ठता, ये क्वेश्चन ही गलत है ना, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है भाई। अनोखापन मतलब युदिति आदिति तो मानता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत है भाई, ठीक है। अनोखापन एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये व्यक्तिकरण को रिलेट करता है। स्वीकृति जो है एक प्रकार से रिलेट करती है सेवार्थी की स्थिति को, तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वेरी गुड, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, क्योंकि भेदभाव नहीं करना चाहिए इस पर, स्वीकार जैसा भी व्यक्ति हो उसको स्वीकार कर लीजिए, है ना। तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए इसकी, और कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए आत्मनिर्णात्मक मनोवृत्ति में। जब उसकी मनोवृत्तियों में आप उसे चेंजेस करना चाहते हैं, उसके एटीट्यूड में कोई चेंजेस करना चाहते हैं आप, तो उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो यह सही जवाब हो जाएगा। अब इसका इससे मैच करेगा, ठीक है, ये सही है, ऐसे ऐसे मैच होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग। ऑप्शन सही नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैं बना देता हूँ, आप लिख लीजिए। ए का मैच करेगा दो से, और बी का जो मैच करेगा वह मैच करेगा एक से, सी का जो मैच करेगा वो तीन से, ये आपका वो बनेगा, ठीक है, सम्मिलित करने वाला चयन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, और आज के लिए इतना ही रखिए, और 8 बजे आप लोग फिर ज्वाइन होइए, और वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा था उसका भी, और कल से वहाँ पर मैं जो है रिसर्च स्टार्ट करूँगा, प्रैक्टिस आज भी करूँगा, कल से रिसर्च करूँगा वहाँ पे स्टार्ट। और आप लोग क्लास कल होगी ग्रुप वर्क पर, ठीक है ना, कल होगा ग्रुप वर्क। तो ये पैटर्न आप देखे रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रैक्टिस अभी आप लोग करते रहिए, UGC का आपकी प्रैक्टिस अलग से होगी, अभी इनकी प्रैक्टिस चल रही है उसमें कर लीजिए। आपका जब जैसे कोई टॉपिक या यूनिट समाप्त होता है तो उसके बाद आप कर लिया करें अपना, ठीक है। और बाकी आप PYQ करिए वहाँ पर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसमें UGC वाले बच्चों के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।